हाय वेलकम टू द यूनिट 2 ऑफ अर्बन जियोग्राफी। आज की वीडियो में हम यूनिट 2 देखने वाले हैं। यूनिट 1 में हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन देख चुके हैं अबाउट द अर्बन। यूनिट 2 वी हैव इज अर्बन मॉर्फोलॉजी एंड हायरार्की एंड इसमें हम देखने वाले कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज ऑफ मॉर्फोलॉजी दैट इज गिवन बाय द केर्सले मॉडिफाइड बर्गिस, देन इज द हैरिस एंड द उल्मन एंड वाइट्स मॉडल। कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज देखने वाले हैं ऑफ हायरार्की, क्रिस्टेलर एंड रैंक साइज। Morphology of an Indian city, that is Madurai or Delhi or Jamshedpur. So let's start with the video now, that is urban morphology and hierarchy. So हम आ जाते सीधा अपनी unit 2 पे। Yeah. So here we have is unit 2. सबसे पहले हमारे पास है concept and theories of urban morphology. So जो urban morphology है वो रेफर करता है कि हम स्टडी करें लाइक हमारी स्टडी को of physical layout and structure of cities, including the arrangement of streets, buildings एंड ओपन स्पेसेस। एग्जामिन करते हैं कि कैसे जो हमारी सिटीज है वो इवॉल्व करती है ओवर टाइम एंड जो फैक्टर्स है जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं उसकी फॉर्म को। की थ्योरीज जो है अर्बन मॉर्फोलॉजी की वो इंक्लूड करती है। पहला है केर्सले मॉडिफाइड बर्गिस मॉडल। तो जो बर्गिस मॉडल है वो ऑल्सो उसको जाना जाता है एज अ नेम ऑफ कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल। वो डिवाइड करता है हमारी सिटीज को इंटू डिफरेंट जोन्स विद द सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट दैट इज CBD एट द कोर, सराउंडेड बाय रिंग्स ऑफ रेजिडेंशियल, industrial and transition areas. Then here is the Kearsley modified, like Kearsley जो modify किया है इस particular account को for urban sprawl and the complexity of the modern cities. Then here is the Harris and Ullman's multiple nuclei model. So इस particular model में अगर हम देखें तो ये जो model है वो suggest करता है मेजरली कि कैसे जो cities है वो develop करती है multiple centers और nuclei rather than a single central area. Each of these nuclei develops its own specialized functions, like business के लिए होती है कुछ जगह होती है education के लिए, कुछ जगह होती है manufacturing के लिए। Then there is the White's model of urban form. So in White जो है वो focused है on the idea of urban growth based on the physical and functional constraints like to topography and the transportation networks which shape the city's morphology. Then there is the theories of urban hierarchy. सो अगर हम थ्योरीज देखें अर्बन हायरार्की की, सो इन दिस अर्बन हायरार्की ये रेफर करती है हमारी रैंकिंग को ऑफ सिटीज बेस्ड ऑन देयर साइज, फंक्शन एंड इन्फ्लुएंस। और जो की मॉडल है वो इंक्लूड करता है पहला है क्रिस्टेलर्स सेंट्रल प्लेस थ्योरी। सो जो क्रिस्टेलर की जो थ्योरी है वो पॉजिट करती है कि कैसे हमारी जो सिटीज है वो फंक्शन करती है एज सेंट्रल प्लेसेस। ये ऑफर करती है सर्विसेज टू सराउंडिंग रूरल एरियाज और ये सिटीज जो है वो ऑर्गेनाइज होती है इन हायरार्किकल सिस्टम जहाँ पे जो लार्जर सिटीज है वो प्रोवाइड करती है स्पेशलाइज्ड सर्विसेज टू स्मॉलर टाउन्स। देन वी हैव इज रैंक साइज रूल। रैंक साइज रूल क्या होता है कि जो पर्टिकुलर रूल होता है इसमें ये स्टेट किया जाता है कि जो साइज है ऑफ अ सिटी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू इट्स रैंक इन द अर्बन हायरार्की। और जो सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है उसमें हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है ऑफ द लार्जेस्ट एंड द थर्ड लार्जेस्ट सिटी इज 1/3 ऑफ द लार्जेस्ट वन। मतलब कि अगर जैसे पहले में 100 है तो दूसरे में जो है हाफ ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज ऑफ लार्जेस्ट दैट इज 50 होगी, तीसरी पॉपुलेशन में जो है अराउंड 25 होगी, तो इतना जो है 1/3 का नहीं 1/3 होगा 33। सो लाइक पहले में 50 दूसरे में 1/3 दैट इज 33, नेक्स्ट में वी हैव इज 1/4 दैट विल बी अराउंड 25, देन वी हैव इज 1/5 दैट इज अराउंड 20, देन वी हैव इज 1/6। तो वो आप सबको जब परसेंटेज के हिसाब से लगा सकते हो। देन वी हैव इज किट मॉर्फोलॉजी ऑफ एन इंडियन सिटी, एग्जाम्पल मदुराई और दिल्ली और जमशेदपुर। So, इसमें अगर हम देखें सबसे पहले हम देखते हैं मदुराई का। सो मदुराई जो कि एक हिस्टोरिकल सिटी है विद अ वेल डिफाइंड सेंट्रल टेम्पल दैट इज मीनाक्षी टेम्पल। अगर आपको पता हो याद रखना है, मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट पेपर्स में पूछ लेते हैं कि मीनाक्षी टेम्पल कहाँ सिचुएटेड है, दैट इज इन मदुराई, रेडिएटिंग आउटवर्ड्स विद कमर्शियल एरियाज एंड द रेजिडेंशियल नेबरहुड्स। ये जो सिटी है मॉर्फोलॉजी रिफ्लेक्ट करती है बोथ ट्रेडिशनल प्लानिंग एंड मॉडर्न डेवलपमेंट्स। देन यू हैव द मेजर ऑफ द थिंग्स दैट इज दिल्ली। सो इन दिल्ली, दिल्ली जो एग्जिबिट करती है एक लेयर्ड मॉर्फोलॉजी को, यहाँ पे जो ओल्ड सिटी है दैट इज शाहजहानाबाद ये कंसिस्ट करती है एक नैरो स्ट्रीट्स को एंड डेंस हाउसिंग को, वाइल जो न्यूअर एरियाज है लाइक न्यू दिल्ली हो गए वो प्लान्ड है विद वाइड रोड्स एंड ग्रीन स्पेसेस। बट ऐसा सच में तो नहीं है, कई जगहों पे आपको वाइड स्पेसेस की जगह बहुत ज्यादा नैरो रोड्स वगैरह भी मिलती है एंड ग्रीन स्पेसेस तो आजकल अगर आप देखोगे दिल्ली में भी कम ही हो गए हैं एंड बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट कंट्री में इतनी हो रही है, स्टेट में इतनी हो रही है, उसकी वजह से। देन वी हैव जमशेदपुर। जमशेदपुर में अगर आप देखोगे एक सिटी जो कि डेवलप्ड है अराउंड टाटा स्टील, ये प्लान्ड है लेआउट लाइक विद अ प्लान्ड लेआउट जो कि इंक्लूड करता है डिस्टिंक्ट इंडस्ट्रियल जोन्स, residential areas and the green spaces reflecting its industrial origin. So I think with this we are in the end. Yeah. So with this we are in the end of the video now. यूनिट 3 हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे. वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग जाए ये वाली तो वीडियो को लाइक कर देना. कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि आपको वीडियोस और ये सीरीज कैसी लग रही है. अगर आपने प्रीवियस वीडियो या फिर आगे वाली आने वाली वीडियोस नहीं देखी है तो उसका लिंक आई विल ट्राई कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूं, वरना आपके सामने तो लिंक्स आ गए हैं. विद दिस स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वाचिंग. बाय बाय.